हेलो फ्रेंड्स, आज हम जो चैप्टर कर रहे हैं वो है चैप्टर नंबर 13 ऑफ क्लास 6 एनसीईआरटी, दैट इज़ फन विद मैग्नेट्स। ठीक है, तो पिछले चैप्टर की तरह इस चैप्टर में भी एक्टिविटीज़ ज़्यादा हैं और थ्योरेटिकल पार्ट कम है। तो भाई अपने अपनी एनसीईआरटी ही बुक्स उठा लीजिए एंड लेट्स स्टार्ट विद दिस चैप्टर, फन विद मैग्नेट्स। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें क्या है, पहेली एंड बूझो वेंट टू अ प्लेस वेयर लॉट ऑफ वेस्ट मटेरियल वॉज पाइल्ड इन टू ह्यूज हीप्स। ठीक है, समथिंग एक्साइटिंग वॉज हैपनिंग, अ क्रेन वॉज मूविंग टुवर्ड्स द लीप ऑफ जंक, द लॉन्ग हैंड ऑफ द क्रेन लोअर्ड अ ब्लॉक लो ओवर अ हीप, इट देन बिगेन टू मूव, गेस व्हाट, मैनी पीसेज ऑफ आयरन जंक वर स्टिकिंग टू द ब्लॉक एज इट मूव्ड अवे। तो क्या करा उन्होंने, लॉन्ग हैंड ऑफ द क्रेन लोअर्ड अ ब्लॉक ओवर अ हीप, तो हीप के ऊपर एक ब्लॉक लेके गए जिसके साथ बहुत सारे आयरन की चीज़ें स्टिक हो गई। तो क्या था वो, ऑब्वियसली मैग्नेट होगा। दे हैड जस्ट रेड अ वेरी इंटरेस्टिंग बुक ऑन मैग्नेट्स एंड न्यू इमीडिएटली दैट देर मस्ट बी अ मैग्नेट अटैच टू द एंड ऑफ द क्रेन दैट वॉज पिकिंग अप आयरन फ्रॉम द जंक यार्ड। ठीक है, यू माइट हैव सीन मैग्नेट्स एंड हैव एंजॉयड प्लेइंग विद देम। तो मैग्नेट सभी ने देखा होगा, हैव यू सीन स्टिकर्स दैट रिमेन अटैच टू आयरन सर्फेसिस लाइक अलमीराज एंड डोर ऑफ रेफ्रिजरेटर्स। रेफ्रिजरेटर के डोर्स पे हम बहुत सारे स्टिकर्स वगैरह चिपका के रखते हैं, तो उनमें भी मैग्नेट होता है, तभी वो आसानी से चिपक जाते हैं डोर को। इन सम पिन होल्डर्स द पिन सीम टू बी स्टिकिंग टू द होल्डर, इन सम पेंसिल बॉक्सेस द लिड फिट्स स्लाइटली टाइटली व्हेन वी चूज इट इवन विदाउट अ लॉकिंग अरेंजमेंट, सच स्टिकर्स पिन होल्डर्स एंड पेंसिल बॉक्सेस हैव मैग्नेट्स फिटेड इनसाइड, इफ़ यू हैव एनी ऑफ दिस आइटम्स ट्राई टू लोकेट द मैग्नेट्स हिडन इन दीज। ठीक है, तो इनमें ट्राई कीजिए, देखिए कि कहाँ पर मैग्नेट लगा रखा है। हाउ मैग्नेट्स वर डिस्कवर्ड, अब डिस्कवरी कैसे हुई थी मैग्नेट की, इट इज़ सेड दैट देर वॉज अ शेफर्ड नेम मैग्नेस हु लिव इन एंशंट ग्रीस, ही यूज टू टेक हिज हर्ड ऑफ शीप एंड गोट्स टू द नियर बाय माउंटेन्स फॉर ग्रेजिंग, ही वुड टेक अ स्टिक विद हिम टू कंट्रोल हिज हर्ड। तो एक स्टिक लेके जाता था अपने साथ ताकि वो गोट्स और शीप्स को कंट्रोल में रखने के लिए। द स्टिक हैड अ स्मॉल पीस ऑफ आयरन अटैच टू एट वन एंड, जिसके एक एंड पे आयरन लगा हुआ था। वन डे ही वॉज सरप्राइज टू फाइंड दैट ही हैड टू पुल हार्ड टू फ्री हिज स्टिक फ्रॉम अ रॉक, एक रॉक पे जब उसने स्टिक रखी तो वो निकल ही नहीं रही थी, मतलब कि दैट वॉज देर वॉज समथिंग इन द रॉक जो उसको आयरन को खींच रहा था अपना। इट सीम्ड एज इफ द स्टिक वॉज बींग अट्रैक्टेड बाय द रॉक, द रॉक वॉज अ नेचुरल मैग्नेट एंड इट अट्रैक्टेड द आयरन टिप ऑफ द शेफर्ड स्टिक्स। इट इज़ सेड दैट दिस इज़ हाउ नेचुरल मैग्नेट्स वॉज डिस्कवर्ड। तो ये पिक्चर इन्होंने दिखा रखी है, किस तरह से वो इलस्ट्रेट किया हुआ है इसको। सच रॉक्स वर गिवन इन द नेम ऑफ मैग्नेटाइट, तो नेचुरल जो मैग्नेट्स हैं इस तरह से डिस्कवर्ड हुए थे और इनको क्या नाम दिया गया, मैग्नेटाइट, परहैप्स आफ्टर द नेम ऑफ द शेफर्ड। मैग्नेटाइट कंटेन्स आयरन, मैग्नेटाइट में क्या होता है, आयरन होता है। सम पीपल बिलीव दैट मैग्नेटाइट वॉज फर्स्ट डिस्कवर्ड एट अ प्लेस कॉल्ड मैग्नीशिया, कई लोग मानते हैं कि मैग्नेटाइट मैग्नीशिया में डिस्कवर हुआ था। द सब्सटेंसेज हैविंग द प्रॉपर्टी ऑफ अट्रैक्टिंग आयरन आर नाउ नोन एज मैग्नेट्स, दिस इज़ हाउ द स्टोरी गोज। ठीक है, सब्सटेंसेज जिनमें ये प्रॉपर्टी होती है टू अट्रैक्ट आयरन दे आर नोन एज मैग्नेट्स। इन एनी केस पीपल नाउ हैव डिस्कवर्ड द सर्टेन रॉक्स दैट सर्टेन रॉक्स हैव द प्रॉपर्टी ऑफ अट्रैक्टिंग पीसीस ऑफ आयरन, दे ऑल्सो फाउंड दैट स्मॉल पीसीस ऑफ दीज रॉक्स हैव सम स्पेशल प्रॉपर्टीज, दे नेम्ड दीज नेचुरली अकरिंग मटीरियल्स मैग्नेट। तो रॉक्स में जो नेचुरली अकरिंग रॉक्स हैं, कई ऐसी रॉक्स हैं जिनमें प्रॉपर्टी होती है दैट दे अट्रैक्ट आयरन, और इनको क्या टर्म दे दिया हमने, मैग्नेट। लेटर ऑन द प्रोसेस ऑफ मेकिंग मैग्नेट फ्रॉम पीसेस ऑफ आयरन वॉज डिक्लेयर्ड, बाद में तो भाई हमने आयरन से भी मैग्नेट को बनाया है,
तो दीज आर नोन एज आर्टिफिशियल मैग्नेट्स. तो जो मैन मेड मैग्नेट्स हैं वो आर्टिफिशियल मैग्नेट्स हो गए, और जो नेचुरली अवेलेबल हैं दैट आर नेचुरल मैग्नेट्स. मैग्नेट्स आर प्रिपेयर्ड इन डिफरेंट शेप्स, फॉर एग्जांपल बार मैग्नेट, हॉर्स शू मैग्नेट, सिलेंड्रिकल और बॉल एंडेड मैग्नेट. तो कई शेप में ये बनाए जाते हैं. शोज़ अ फ्यू ऑफ सच मैग्नेट्स. तो ये कुछ ऑफ किया गया मैग्नेट्स दिखा रखे हैं यहाँ पे. एक्टिविटी वन क्या है, अब एक्टिविटी क्या है, इफ़ेक्ट ऑफ. जब भी आप एक्टिविटी करते हैं तो एक बार करने से पहले उसके डायग्राम को देख लीजिए, उससे आपको कुछ समझ आ रहा है नहीं आ रहा है, उसके बाद आप उसको रीड करिए उसमें से, ठीक है. तो इसमें क्या है, इफ़ेक्ट ऑफ मैग्नेट. अ पेपर क्लिप हैंगिंग इन एयर, पेपर क्लिप हैंग हो रही है, ठीक है. तो अब इसको पढ़ते हैं हम क्या है. टेक अ प्लास्टिक और पेपर कप. तो ये पेपर कप लिया या प्लास्टिक कप लिया, उसको इस तरह से हमने हैंग कर दिया, हेल्ड ऑन अ क्लैंप. प्लेस अ मैग्नेट इनसाइड द कप. अब कप के अंदर मैग्नेट रख दिया है. एंड कवर इट विद अ पेपर सो दैट मैग्नेट इज़ नॉट विजिबल. अब उसको ऊपर से कवर कर दिया. अटैच अ थ्रेड टू अ क्लिप मेड ऑफ आयरन. एक आयरन की क्लिप लो जिसको आपने धागे से बांध रखा है. अटैच अ थ्रेड टू अ क्लिप मेड ऑफ आयरन. फिक्स द अदर एंड ऑफ द थ्रेड एट द बेस ऑफ द स्टैंड. तो धागा हमने नीचे स्टैंड पे बांध दिया. माइंड यू द ट्रिक इन्वॉल्वड हियर इज टू कीप द लेंथ ऑफ द थ्रेड सफिशिएंटली शॉर्ट. धागा हमने छोटा रखना है. ब्रिंग द क्लिप नियर द बेस ऑफ द कप. अब क्लिप को नहीं उसके बेस के लिए लेके आएंगे. तो क्लिप इज रेज्ड इन एयर विदाउट सपोर्ट. तो ये ऐसी हवा में खड़ी रह जाएगी, ठीक है. तो धागा हमने छोटा रखना है ताकि वो कप से नीचे रहे उसकी लेंथ, ऐसा ना हो बड़ा ले लें हम. तो एक काइट की तरह हवा में उड़ रही है. तो दिस इज़ फर्स्ट एक्टिविटी, क्वाइट इंटरेस्टिंग. सेकंड हम आते हैं मैग्नेटिक एंड नॉन मैग्नेटिक मटेरियल. अब मैग्नेटिक नॉन मैग्नेटिक मटेरियल, भाई नाम से ही समझ में आ रहा है कि जिनमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होगी, यानी कि जो अट्रैक्ट कर पाएंगे आयरन को, वो मैग्नेट्स मैग्नेटिक मटेरियल होंगे, और जिन जो ऐसा नहीं कर पाएंगे वो नॉन मैग्नेटिक मटेरियल होंगे. तो अब हम एक्टिविटी टू कर रहे हैं. एक्टिविटी टू में क्या है, लेट इस वॉक इन द फुट स्टेप ऑफ मैग्नेट्स. मतलब मैग्नेट्स जैसे ने जैसे किया था वैसे ही हम कर रहे हैं. वी विल चेंज द पोजिशन ऑफ द मैग्नेट एंड द आयरन. देर विल बी मैग्नेट एट द एंड ऑफ द शेफर्ड स्टिक. क्या करा है, स्टिक के नीचे हमने लगा दिया मैग्नेट. वी कैन अटैच अ स्मॉल मैग्नेट टू अ हॉकी स्टिक, वॉकिंग स्टिक और क्रिकेट विकेट. लेट अस नाउ गो आउट ऑन अ मैग्नेट वॉक थ्रू अ स्कूल प्ले ग्राउंड. वट डज आर मैग्नेट स्टिक पिक अप फ्रॉम द स्कूल ग्राउंड. वॉट अबाउट ऑब्जेक्ट्स इन द क्लास रूम. ठीक है, तो कौन कौन से ऐसे ऑब्जेक्ट होंगे जो स्टिक को अटैच होंगे. तो जो भी आयरन के ऑब्जेक्ट्स होंगे वो आपके अटैच हो जाएंगे. कलेक्ट वेरियस ऑब्जेक्ट्स ऑफ डे टू डे यूज फ्रॉम योर सराउंडिंग्स. टेस्ट दीज विद मैग्नेट स्टिक. यू कैन ऑल्सो टेक अ मैगनेट, टच दीज ऑब्जेक्ट्स विद इट एंड ऑब्जर्व विच ऑब्जेक्ट स्टिक टू द मैगनेट. उस तरह से ये टेबल हमने बनानी है कि कौन कौन से मटेरियल हैं, नेम ऑफ द ऑब्जेक्ट, किससे वो बना है और क्या वो अट्रैक्ट हो रहा है मैग्नेट से या नहीं हो रहा. तो नाउ मेक अ लिस्ट ऑफ मटेरियल फ्रॉम विच दीज ऑब्जेक्ट्स आर मेड. तो ये हमने पूरा चार्ट बना लेंगे. वी अंडरस्टैंड दैट मैग्नेट्स अट्रैक्ट सर्टन मटेरियल्स वेयर एज सम डू नॉट गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड्स मैग्नेट. तो द मटेरियल्स विच गेट अट्रैक्टेड टुवर्ड अ मैग्नेट आर कॉल्ड मैग्नेटिक. फॉर एग्जाम्पल आयरन, निकल, कोबाल्ट. तो जो मटेरियल्स मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं वो मैग्नेटिक हैं. एग्जाम्पल आयरन, निकल, एयर, कोबाल्ट. मटेरियल विच आर नॉट अट्रैक्टेड टुवर्ड अ मैग्नेट आर कॉल्ड नॉन मैग्नेट. तो जो नहीं हो रहे हैं अट्रैक्ट टुवर्ड मैग्नेट उनमें नॉन मैग्नेट बोलेंगे. वट मटेरियल्स डिड यू फाइंड टू बी नॉन मैग्नेटिक. सॉयल मैग्नेटिक और नॉन मैग्नेटिक मटीरियल. अब थर्ड एक्टिविटी, तो इसमें तो एक्टिविटीज़ ही एक्टिविटीज़ हैं. थर्ड में क्या है, अब यहाँ है पहले इसकी फिगर आप देख लीजिए. तो हम कुछ कर रहे हैं मैग्नेट को विद आयरन नील्स या आयरन फिलिंग्स के साथ, ठीक है. तो क्या करा है हमने, रबर मैग्नेट इन द सैंड और सॉयल. पुल आउट द मैग्नेट. अब एक मैग्नेट को हम रब करेंगे सैंड में या सॉयल में, उसको बाहर निकालेंगे. आर देयर सम पार्टिकल्स ऑफ सैंड और ऑयल स्टिकिंग टू द सॉयल स्टिकिंग टू द मैग्नेट. नाउ जेंटली शेक द मैग्नेट टू रिमूव द पार्टिकल्स ऑफ सैंड और सॉयल. आर सम पार्टिकल्स स्टिक्स स्टिल स्टिकिंग. तो सॉयल में देखो भाई, सॉयल के अंदर बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं. तो अब हो सकता है उनमें कुछ ऐसे मिनरल्स
और हो जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ हो जिनकी, तो जब आप सॉइल को टेस्ट करोगे तो कुछ ना कुछ सॉइल का पार्ट उसके साथ अटैच हो जाएगा, ठीक है। अब उसको हम साफ़ कर देंगे, बट स्टिल कुछ पार्ट्स दे आर स्टिल स्टिकिंग। दिस माइट बी स्मॉल पीसेज ऑफ आयरन पिक्ड अप फ्रॉम द सॉइल। थ्रू सच एन एक्टिविटी वी कैन फाइंड आउट वेदर द सॉइल और सैंड फ्रॉम अ गिवन प्लेस कंटेन्स पार्टिकल्स दैट हैव आयरन। तो इससे हमें पता चलता है कि क्या सॉइल के अंदर आयरन है किसी जगह की मिट्टी में। ट्राई दिस एक्टिविटी नियर योर होम, स्कूल और द प्लेसेस यू विजिट। डज द मैग्नेट विद आयरन फिलिंग स्टिकिंग टू इट लुक लाइक एनी वन ऑफ दोज शोन इन फिगर 13.6.8। मेक अ टेबल ऑफ व्हाट यू फाइंड। तो कहाँ कौन से लोकेशन से आपने सॉइल उठाई और वहाँ पे आयरन उसमें मिला या नहीं, तो इस तरह से ये हम आपको चार्ट हब बना सकते हो। काफ़ी इंटरेस्टिंग है, जहाँ जहाँ भी नई नई जगह आप जाते हो तो वहाँ पे आप ये सेम एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। इफ़ यू फिल दिस टेबल एंड सेंड इट टू द पहेलियन बुजो, दे कैन कंपेयर द अमाउंट ऑफ आयरन फिलिंग्स फाउंड इन सॉइल फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री। दे कैन शेयर दिस इंफॉर्मेशन विद यू, ठीक है। पोल्स ऑफ मैग्नेट। नाउ पोल्स ऑफ मैग्नेट क्या होगा। वी ऑब्जर्व दैट आयरन फिलिंग्स इफ दे आर प्रेजेंट स्टिक टू अ मैग्नेट रब्ड इन द सॉइल। डिड यू ऑब्जर्व एनीथिंग स्पेशल अबाउट द वे दे स्टिक टू द मैग्नेट। वो सिर्फ एंड्स में चिपकते हैं, पूरे मैग्नेट पे नहीं चिपकते। हमने ये चीज़ नोटिस की होगी यहाँ सेकेंड इस वाली एक्टिविटी में भी और इधर एक्टिविटी 4 में भी हम ये करने वाले हैं। तो जब भी वो चिपकेंगे एंड्स पे चिपकते हैं, पोल्स पे चिपकते हैं, ना कि थ्रू आउट द मैग्नेट। तो एक्टिविटी 4 में क्या करेंगे, स्प्रेड सम आयरन फिलिंग्स ऑन अ शीट ऑफ पेपर। नाउ प्लेस अ बार मैग्नेट ऑन दिस शीट। व्हाट डू यू ऑब्जर्व। डू द आयरन फिलिंग्स स्टिक ऑल ओवर द मैग्नेट। नो। डू यू ऑब्जर्व दैट मोर आयरन फिलिंग्स गेट अट्रैक्टेड टू सम पार्ट्स ऑफ द मैग्नेट देन अदर्स। रिमूव द आयरन फिलिंग्स स्टिकिंग टू द मैग्नेट एंड रिपीट द एक्टिविटी। डू यू ऑब्जर्व एनी चेंज इन द पैटर्न। तो हर बार जब भी आप करोगे तो एंड्स पे ही चिपकेंगे वो। इवन डू यू डू दिस एक्टिविटी यूजिंग पिंस और आयरन नेल्स, जो भी होगा। Draw diagrams to show the way iron fillings stick to the magnet. Is your drawing similar to shown in figure 13? तो आप जो ऑब्जर्वेशन है उसकी भी आप ड्राइंग बना सकते हो एंड कंपेयर कर सकते हैं। वी फाइंड दैट मोस्ट ऑफ द आयरन फिलिंग्स आर अट्रैक्टेड टूअर्ड्स द टू एंड्स ऑफ अ बार मैग्नेट। दीज एंड्स आर द पोल्स ऑफ द मैग्नेट। ट्राई एंड ब्रिंग अ फ्यू मैग्नेट्स ऑफ डिफरेंट शेप्स टू द क्लासरूम। चेक फॉर द लोकेशन ऑफ द पोल्स। तो अलग अलग जो शेप्स के मैग्नेट्स थे वो लेके आ सकते हो और चेक कर सकते हो उनके पोल्स का है। तो जहाँ पे भी आयरन फिलिंग्स जो स्टिक होंगी या आयरन ऑब्जेक्ट स्टिक होंगे वो उसके पोल है। पहली हैज दिस पजल फॉर यू। यू आर गिवन टू आइडेंटिकल बार्स विच लुक एज इफ दे माइट बी मेड ऑफ आयरन। वन ऑफ देम इज मैग्नेट वाइल द अदर इज सिंपल आयरन बार। हाउ विल यू फाइंड आउट। अब भाई ऑब्वियसली मैग्नेट जो होगा उस पर आयरन फिलिंग्स स्टिक करेंगी और सिंपली जो आयरन होगा उस पर आयरन नहीं स्टिक करेगा। तो वी कैन डू दिस एक्सपेरिमेंट। अब नेक्स्ट आता है फाइंडिंग डायरेक्शंस। मैग्नेट्स वर नोन टू पीपल फ्रॉम एंशियंट टाइम्स। मैनी प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट्स वर ऑल्सो नोन टू देम। यू माइट हैव रेड मैनी इंटरेस्टिंग स्टोरीज अबाउट द यूजेज ऑफ मैग्नेट, ठीक है। वन सच स्टोरी इज अबाउट द एम्परर ऑफ चाइना नेम हुआंग टी। इट इज सेड दैट ही हैड अ चैरियट विद अ स्टैचू ऑफ अ लेडी दैट कुड रोटेट इन एनी डायरेक्शन। It had an extended arm as if it was showing the way. Statue has an interesting property. It would rest in such a position that its extended arm always pointed towards south. तो इस तरह के बहुत सारी कहानियाँ पड़ी हुई हैं और या legends हैं। By looking at the extended arm of the statue, the emperor was able to locate directions when he went to new places. तो वो statue इस तरह से था कि भाई उसकी जो extended arm है वो हमेशा south की तरफ पॉइंट करती थी, तो उसको यूज़ करके ये द एम्परर वॉज एबल टू फाइंड द डायरेक्शंस। इस तरह से जो ये देखो यहाँ पे दिखाया भी हुआ इन्होंने। अब एक्टिविटी 5 क्या है। अब हम क्या करेंगे, टेक अ बार मैग्नेट। बार मैग्नेट अब इसको पहले देखो, कोई भी एक्टिविटी करो आप पहले डायग्राम देख लो क्या करा हुआ है। तो उससे देख के आपको समझ आ रहा है कि भाई एक बार मैग्नेट को हमने धागे से बांध के ऐसे लटका दिया एक तरह से वुडन स्टैंड पे। वुडन स्टैंड में लग ध्यान रखें, वुडन स्टैंड यूज़ करेंगे, नॉट आयरन और समथिंग। मेक श्योर दैट द मैग्नेट कैन रोटेट फ्रीली। और इस तरह से करिए कि भाई वो फ्रीली इतनी जगह हो कि किसी भी डायरेक्शन में मूव कर पाए। मार्क टू पॉइंट्स ऑन द ग्राउंड टू शो द पोजिशन ऑफ द एंड्स ऑफ द मैग्नेट व्हेन इट कम्स टू रेस्ट, ठीक है। तो जब ये रेस्ट पे आ गए मैग्नेट तो डायरेक्शन को आप मार्क कर सकते हैं बाय पॉइंट, मतलब ग्राउंड पे मार्किंग लगा के।
Draw a line joining the two points. This line shows the direction in which the magnet was pointing in the position of rest. Now rotate the magnet by gently pushing one end in any direction. अब उसको आप हाथ से घुमा सकते हो किसी भी direction में, पर ultimately जब भी वो rest करेगा तो एक ही position में rest करेगा. Again mark the position of the two ends of the rest. Does the magnet now point in a different direction? No. Rotate the magnet in another. किसी भी direction में आप उसको घुमाओगे वो हमेशा एक ही direction में ही rest करेगा magnet. Do you find that magnet always comes to rest in the same direction? Now, can you guess the mystery behind the statue of Emperor's chariot? Repeat this activity with an iron bar and a plastic or wooden scale instead of a magnet. Plastic or wooden scale to bhai kisi bhi direction mein kar sakte hain. Do not use light objects for this activity and avoid doing it where there are currents of air. Hawa na chal rahi ho, ye dhyan rakhna bas. Do the other materials always come to rest in the same direction? No, we find that a freely suspended bar magnet always comes to rest in a particular direction, which is the north-south direction. Use the direction of the rising sun in the morning to find out the rough directions toward east where you are doing this experiment. If you stand facing east, to your left will be north. तो अगर आप east को face करके खड़े हो तो आपके left में north होगा. और if your left will be north. Using the sun for finding directions may not be very exact, but सुबह सुबह आप कर सकते हो थोड़ा सा इस पर कि sun is rising in the east है, उसके उधर left में north और दूसरी direction में south. Using this you can figure out which end of the magnet is pointing to the north and which pointing to the south. The end of the magnet that points toward north is called, जो magnet का pole हमेशा नॉर्थ में होता है वो नॉर्थ सिकिंग पोल हो गया, नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट हो गया. द अदर एंड इज साउथ सिकिंग एंड ऑफ द साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट. ऑल मैग्नेट्स हैव टू पोल्स वट एवर देयर शेप में भी, कि कोई भी शेप में हो तो दो पोल्स उनके हमेशा हो गए, नॉर्थ एंड साउथ. दिस प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेट इज़ वेरी यूजफुल फॉर अस. For centuries, travelers have been making use of this property of magnet to find directions. तो बहुत सालों से ये property जो है magnet की वो use हो रही है to tell directions. It is said that in olden days travelers used to find directions by suspending natural magnets with a thread. तो पुराने ज़माने में बिल्कुल ही natural तरीका, मतलब basic तरीका use होता था कि magnet को धागे से बांध के देखते थे वो, which they always carried with them. Later on a device was developed based on the property of magnet. It is known as the compass. Compass is usually a small box with a glass cover on it. तो इस तरह का दिखता है compass. A magnetized needle is pivoted inside the box which can rotate freely. Compass also has a dial. तो जो इसकी needle है वो हमेशा north south direction में, its needle indicates the north south directions when it comes to rest. Compass is then rotated until the north and south are marked on the dial or at the two ends of the needle. To identify the north pole of the magnetic needle, it is usually printed in different colors. तो north pole और south pole को identify करने के लिए दोनों अलग अलग color के हमेशा mark होते हैं, या फिर उस पर लिखा होता है N and S, मतलब north और south. आप देखिए ये हम कर चुके हैं. Now make your own magnet. आप अपना खुद का magnet भी बना सकते हैं, ठीक है. तो कैसे बनाएंगे खुद का मैग्नेट बनाने के लिए क्या करेंगे? बहुत सारे तरीके हैं भाई. एक सिंपल सा तरीका जो इसने दे रखा वो है कि एक आयरन बार लेंगे, उसके ऊपर बार बार रिपीटेडली मैग्नेट को हम रब करेंगे. रिपीट दिस प्रोसेस अबाउट 30 to 40 टाइम्स. ब्रिंग अ पेन और सम आयरन फिलिंग नियर द आयरन बार टू चेक वेदर इट हैज़ बिकम मैग्नेट. तो इस डायरेक्शन में ऐसे एक डायरेक्शन में उसको मूव करेंगे और उसके बाद चेक करिए इसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आई या नहीं. रिमेंबर दैट द पोल ऑफ द मैग्नेट एंड डायरेक्शन ऑफ इट्स मूवमेंट शुड नॉट चेंज. मतलब हर एक ही डायरेक्शन में आपने उसको मूव करना है, ऐसा नहीं है बार बार कि एक बार उधर से कर रहे हैं एक बार उधर से. यू कैन ऑल्सो यूज़ एन आयरन नेल और नीडल और अ ब्लेड एंड कन्वर्ट दम टू मैग्नेट. तो ये सब सिंपलेस्ट तरीका हो गया. मैग्नेटाइज एंड आयरन नीडल यूजिंग अ बार मैग्नेट. नाउ इंसर्ट द मैग्नेटाइज नीडल थ्रू स्मॉल पीस ऑफ. तो अब क्या है, तो
तो ये एक्टिविटी आप करके देख सकते हैं क्या है। नाउ नेक्स्ट हम आते हैं अट्रैक्शन एंड रिपल्शन बिटवीन मैग्नेट्स। अब क्या करेंगे हम, दो स्मॉल कार्स लीज ने प्लेस अ बार मैग्नेट ऑन टॉप ऑफ इट, सबके ऊपर क्या कर दिया, बार मैग्नेट रख दिया। अब मैग्नेट्स के बीच में अट्रैक्शन किस तरह से होगी, देखो भाई हम सब पता है या आप एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हो कि एक पर्टिकुलर पोजीशन के में ही उनके बीच में अट्रैक्शन होगी, ठीक है। जब सेम टाइप ऑफ पोल्स अगर एक दूसरे को फेस कर रहे हैं तो रिपेल करेंगे, ऑपोजिट पोल्स अट्रैक्ट करते हैं, तो नॉर्थ साउथ को अट्रैक्ट करेगा, साउथ नॉर्थ को अट्रैक्ट करेगा, बट नॉर्थ एंड नॉर्थ विल रिपेल एंड साउथ विल रिपेल। तो ये यही इन्होंने करी हुई है कि ये चार तरीक़ों से फ्रंट कार ए फेसिंग द फ्रंट कार ऑफ बी, तो कब उनमें अट्रैक्शन होगी कब रिपल्शन होगी, तो ये बहुत इंटरेस्टिंग एक्टिविटी है, आप करके देख सकते हैं। नेक्स्ट है, इस एक्टिविटी से हमें मिलता क्या है, पता क्या चलता है, प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेट्स कैन ऑल्सो बी ऑब्जर्व, व्हाट अबाउट ऑपोजिट, तो इससे यही पता है कि भैया ऑपोजिट पोल्स ही अट्रैक्ट करते हैं, सिमिलर जो पोल्स होंगे वो रिपेल करेंगे। अ फ्यू कॉशंस, मैग्नेट्स लूज देयर प्रॉपर्टीज इफ़ दे आर हीटेड, हैमर्ड और ड्रॉप्ड फ्रॉम सम हाइट। तो जो मैग्नेट्स हैं अगर उनको आप हीट कर रहे हो या उन पर हैमरिंग कर रहे हो या हाइट से बहुत ड्रॉप कर दिया, तो वो अपनी प्रॉपर्टीज लूज कर सकते हैं या वीक हो सकते हैं, अगर उनकी जो प्रॉपर्टीज़ वीक हो सकती हैं अगर उनको प्रॉपरली स्टोर ना किया जाए। टू कीप देम सेफ बार मैग्नेट शुड बी केप्ट इन पेयर्स, तो हमेशा जो है बार मैग्नेट्स को पेयर्स में रखना चाहिए, लाइक यहाँ पर जो दिखा रखा है, विद देयर अनलाइक पोल्स ऑन द सेम साइड, ऑपोजिट पोल्स में, ताकि वो अट्रैक्ट होके वहाँ पर रखे रहें आराम से। They must be separated by a piece of wood, while two pieces of soft iron should be placed across their ends. और उनके बीच में हमने एक वुड रख देनी है ताकि वो बिल्कुल स्टिक होके ना रहे, ठीक है। For horseshoe magnet, one should keep a piece of iron across the poles. और पोल्स पे आयरन लगा के रख दीजिए आप, कि मैग्नेट्स अवे फ्रॉम कैसेट, मोबाइल, टेलीविजन, म्यूजिक सिस्टम एंड कंप्यूटर, ठीक है। तो स्टोर करने के तरीके हैं ये अलग अलग, जिससे आपका मैग्नेट ख़राब ना हो, तो इस पर क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो कीवर्ड भाई इसमें देखिए, कंपास आपको पता क्या बन गया, वो डायरेक्शन बताने वाला, मैग्नेट क्या होता है, मैग्नेटाइट क्या है, रॉक थी जो मैग्नेटिक रॉक, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, तो समरी में भी यही है, मैग्नेटाइजेस नेचुरल मैग्नेट, मैग्नेट अट्रैक्ट मटेरियल्स लाइक आयरन, निकल, कोबाल्ट, दे आर कॉल्ड मैग्नेटिक मटेरियल्स, मटेरियल्स दैट आर नॉट अट्रैक्टेड टुवर्ड मैग्नेट आर कॉल्ड नॉन मैग्नेटिक, ईच मैग्नेट हैज़ टू पोल्स नॉर्थ एंड साउथ, फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट ऑलवेज अलाइंस इन एन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, ऑपोजिट पोल्स ऑफ टू मैग्नेट्स अट्रैक्ट ईच अदर वेयर एज सिमिलर पोल्स रिपेल वन अनदर, तो ये समरी हो गई, ठीक है। तो इस चैप्टर में आपकी एक्टिविटी वाला पार्ट ज़्यादा है, थ्योरेटिकल कम है, बस आपको समझ में आना चाहिए कि भाई मैग्नेट होता क्या है, क्या उसके पोल्स होते हैं, डायरेक्शंस को बताने में कैसे हेल्प कर रहा है, मैग्नेटिक नॉन मैग्नेटिक मटेरियल क्या है, ठीक है, कंपास क्या है। तो ये इसके क्वेश्चंस हैं सारे यहाँ पे, क्या है देख लेते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स विद द फॉलोइंग आर्टिफिशियल मैग्नेट्स, वैसे तो आपने अगर चैप्टर अच्छे से पढ़ा है तो आप साथ साथ आप निकाल सकते हो अपने आंसर, बुक में ही होते हैं हर क्वेश्चन के आंसर, ठीक है। तो आर्टिफिशियल मैग्नेट्स आर मेड इन डिफरेंट शेप्स सच एज बार मैग्नेट, ठीक है, तो सिलेंड्रिकल, तो ये आपका दिया हुआ है इसमें ही, मटीरियल्स विच आर अट्रैक्टेड टू आर मैग्नेट आर मैग्नेटिक, पेपर इज नॉट अ मैग्नेटिक मटीरियल, इन ओल्डन डेज सेलर्स यूज टू फाइंड डायरेक्शन बाय सस्पेंडिंग अ पीस ऑफ मैग्नेट विद थ्रेड, मैग्नेट ऑलवेज हैज़ टू पोल्स, अब ट्रू फॉल्स बताने हैं, सिलेंड्रिकल मैग्नेट हैज़ ओनली वन पोल, हर किसी भी मैग्नेट में दो पोल होंगे ही होंगे वरना मैग्नेट होगा ही नहीं वो, तो ये फॉल्स है स्टेटमेंट। आर्टिफिशियल मैग्नेट्स वर डिस्कवर्ड इन ग्रीस, नहीं डिस्कवर क्या करना है, वो तो मैन मेड है ना, फॉल्स है ये भी, सिमिलर पोल्स ऑफ मैग्नेट रिपेल ईच अदर, सिमिलर पोल्स
रिपेल करेंगे ट्रू है. मैक्सिमम आयरन फिलिंग स्टिक इन द मिडल ऑफ द बार मैग्नेट, नो पोल्स पे स्टिक करती है हमेशा. बार मैग्नेट ऑलवेज पॉइंट इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, येस. कंपास कैन बी यूज टू फाइंड ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन एट एनी प्लेस. भाई ये फॉल्स ही है, क्योंकि कोई भी जो निडल होगी या कंपास होगा वो आपका नॉर्थ साउथ डायरेक्शन ही बताएगा, बट उससे आप ईस्ट वेस्ट बता सकते हो, क्योंकि कंपास पे वो मेंशन होती है कि नॉर्थ साउथ अगर ये इधर है तो ईस्ट वेस्ट इधर है. रबर इज़ अ मैग्नेटिक मटीरियल, नो. इट इज़ ऑब्जर्व दैट अ पेंसिल शार्पनर गेट्स अट्रैक्टेड टू बाय बोथ द पोल्स ऑफ अ मैग्नेट, ऑल्दो इट्स बॉडी इज मेड ऑफ प्लास्टिक. न्यू मटेरियल दैट माइट हैव बीन यूज्ड टू मेक सम पार्ट ऑफ. तो शार्पनर में भैया ब्लेड तो हम आयरन का लगा रखा है ना, तो वो होगा अट्रैक्ट उससे. गुड. ये कॉलम वन और टू है. अब इसमें देखो, नॉर्थ नॉर्थ में रिपल्शन होगा, नॉर्थ साउथ में अट्रैक्शन होगा, साउथ नॉर्थ अट्रैक्शन, साउथ साउथ में रिपल्शन. तो ये आपने फिल करना है. टू प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट लिख सकते हैं आप. पोल्स ऑफ बार मैग्नेट उसके एंड्स पे बने होते हैं. बार मैग्नेट हैज़ नो मार्किंग्स टू इंडिकेट इट्स पोल्स. हाउ वुड यू फाइंड आउट कि पोल कहाँ लोकेटेड हैं? तो आयरन फिलिंग्स वाला एक्सपेरिमेंट करके. यू हैव गिवन आयरन स्ट्रिप, मैग्नेट कैसे बनाओगे? उस पर एक मैग्नेट को बार बार एक ही डायरेक्शन में रब करेंगे 30-40 बार तो बन जाएगा. हाउ इज कंपास यूज टू फाइंड डायरेक्शंस? ठीक है, मैग्नेट वॉज ब्रॉट फ्रॉम. तो ये पॉसिबल रीजंस इसके हमने बताने हैं, तो आप अब बता सकते हैं. और ये नीचे और भी एक्टिविटीज़ दे रखी हैं भाई, ये भी आप पढ़ सकते हैं, इंटरेस्टिंग होती हैं काफ़ी. ठीक है, तो फ्रेंड्स थैंक यू, वी विल नेक्स्ट मीट नेक्स्ट टाइम फॉर अनदर चैप्टर.